रात नी सवेरे शाम पौन नू बहाने करदा आ तेरे वाले आउन नू रात जाग जाग कट्टे मुट्टे आर वे चित करदा नी मेरा भी हाय सौन नू हाय सौन दे तरीके बुलिया बुरा हाल कीता है तू यार दा वे मिलने दा दिल रख ले चुप चाप सिद्धा सिद्धा ही नाराज वैलिया गुड़े जाई
मैं तो पौने बारह पूरे आके खड़ जू, तू ना कितने लेट हो जानी। आगे पौने बारह पौड़िया च खड़ जी, मैं भी आज कंध टप के। दिल तेरी हुत्ते यारा किते घोरना, वे तू कुड़ी हुत्ते कर दावे गौरना। हो दिल तेरे हुत्ते यारा किते घोरना, वे तू कुड़ी हुत्ते कर दावे गौरना। होवे मैं झांझरा पैरां दे विचों लालियां, पता लग्या पसंद तेनू छोरना। होवे मैं उंगलां ते कट्टा हर पल नू, वे मैं उंगलां ते कट्टा हर पल नू। कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू, ओ जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू, ओ जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू। तेरी सांभ सांभ रखूं हर गल नू, तेरी सांभ सांभ रखूं हर गल नू। वे जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू। कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू, ओ जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू, ओ जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू। तेरी सांभ सांभ रखूं हर गल नू, तेरी सांभ सांभ रखूं हर गल नू। वे जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू। कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू, ओ जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू, ओ जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू। तेरी सांभ सांभ रखूं हर गल नू, वे जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू। ओ जिन्ना तेरे नाल प्यारिया माइकल वे, इना जट्टी किसे होर दा वे करे ना। उंज मारे दिया तेरे उत्ते लख वे, पर जट्टी वांगू होर कोई मरे ना। कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू, ओ जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू, ओ जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू। तेरी सांभ सांभ रखूं हर गल नू, तेरी सांभ सांभ रखूं हर गल नू। वे जट्टा कदे मुड़के ता वेखी जट्टी वाले नू। गोल्ड दा कोका इक वे, इक बनदा है जोड़ा वालियां दा। जदो तेरा मन कीता उदो लै दी वे, कोई मसला नी जट्टा कालियां दा। बेपरियां जी नार तेरी वे, रख अलड़ दा सीना वे तू ठार के। ओ लै दे फुल कारी जट्टी नू, आजू मिलन बुकल जट्टा मार के। ओ लै दे फुल कारी जट्टी नू, खोलना देवे जेड़ा रखदा है मैगजीन चार के। असले ना करे आशिकी जट लोई दी बुकड़ बिलो मार के। असले ना करे आशिकी जट लोई दी बुकड़ बिलो मार के। हाँ
चढ़दी जवानी विच सोनिए महंगे पैण गए यारे जट नानी हो ऐने किता वैर पहला ही चल दे बिलो पुछिया नी जाना तेरा हानी रंधावया तू वैरी लभ दे वे मैं फिर दिया रूप नू नखार के असले दा करे आज की जट लोई दी बुकल बिलो मार के असले दा करे आज की खाली मुट्टे यार वे जेड़े चन्ना फिर दाए रूट वे तेरे गंडा से नाड़ो महंगे नहीं जट्टी दे हाई सूट वे ओ माइक लेता कपा सोनिए बस तेरे लिए शरीफी बैठा तार के ओ ले दे फुलकारी जट्टी नू आजू मिलने बुकल जट्टा मार के असले ना करे आज की वो जट लोई दी बुकल पिल्लो मार के So give me we gonna be there in the fucking hour, Karundawa. I get that 3-3-1-2-3, nigga. At your motherfucking doorstep. Deep John Doe. Who made it bad in the corner? Did I put it up here? ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਨੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਰੱਪਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਲੰਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਏ ਫਰਾਂਸ ਗੋਰੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦਾ ਦਾਸ ਗੋਰੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦਾ ਦਾਸ ਗੋਰੀ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦਵਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਡੋਲੇ
पैर वे उभरते जावा जदो जाना पैदा शहर वे फैदा की है मैनू तेरी नमी कार दा हाल भी ना पुछे कदे जटा नार दा दिल नाजुक जा भी ना कदे वेखे मिंटा विच तोड़ देना है ना सुरमा नी कदे तू दवाया अखा चो जला डोल देना है छड रख मेरे ते ध्यान वे रहन नू मैं तेरे तो वे बिना रह सकदियां कहन नू वे तेनू बड़ा कुछ कह सकदियां अज नी तां कल मेरे नाल नाल चलेगा ना भी बिलीव मेरियां गल्लां वे तू मनेगा आवया तू मेरे नाल लड़के क्यों गिफ्टां नू मोड़ देना है दौड़ी फिरा तेरे वाले नू वे मैं खुद नू ना लेट कर दी छेती छेती आ जा सोने तेरे चिरा तो मैं वेट कर दी छेती छेती आ जा सोने तेरे चिरा तो मैं वेट कर दी प्यार मेरा भुलिया तेने न बस पहले दिन तू आ चल तेरे लिए कोई तेरे नालों वध के नहीं न बस पहले दिन तू आ चल तेरे लिए कोई तेरे नालों वध के नहीं तैनू खबरा ना चाहने वे तैनू कॉलेज तो डेट कर दी छेती छेती आ जा सोने तेरे चिरा तो मैं वेट कर दी छेती आ जा सोने तेरी चिरा तो मैं वेट कर दी तीन साल हो गए मैं तो बैठा जाके दूर वे उड़ीकां तेरियां च रोज ही बैठी रंगे तेरी हूर वे ओ मैनू दिल दे बिठा लाइक खुंजे च जान बसे मेरी मारका दे मुंडे च हो मैनू दिल दे बिठा लाइक खुंजे च जान बसे मेरी मारका दे मुंडे च जी दे हर रोज रात नू रमा सुपने करेट कर दी छेती छेती आ जा सोने तेरी चिरा तू मैं वेट कर दी छेती छेती आ जा सोने तेरी चिरा तू मैं वेट कर दी बोलदी ना झूठ वे मैं सच बोलदी फिरदियां डालर पैरां च रोलदी
शौक नहीं मैनू तेरी काली कार दा जट्टी भी जी वैगना दे डोर खोल दी सोल पूना वेखिया नी मैं ओ वेखिया मैं तेरा जट्टा तोड़ कोई ना मिलूंगा मैं आके काली रात विच नी हो
ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇੜ ਲੈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਚਰ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀ ਜੇ ਜੱਟੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਗੀ ਜੱਟੀ ਮੂਰੇ ਚੱਲਣੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੈਲੀ ਤੇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਨੇ ਜੈਜ ਲੈਣ ਪੰਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਚਾਜਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਰਿਮ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੌਰ ਕਿੰਨੀ ਜੱਟ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਡਾ ਬੱਲੀਏ of my victim, a strain on my conscience, recalling sick things, remains unresputcha, if you're still breathing. Oh, chitte rang vangu dil saaf na kharo, karta flame shahar khaaf na kharo, phone kar kar main shifarsha pawaiya ni, apne main kam kara aap na kharo. Oh, top notch balli e ni saadi hype chaldi, front page ban jandi ya news kali di, haddo wadi kite na promise below, kade use chutha kita na bahana balli e. ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਖਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਯਾਰਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ Bye. 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 B
of seeing a sweatshirt like that being worn around a high school campus, I decided, well, you know, here's a very honest young man, for at least he's letting every girl on his campus know about his intentions. अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह उन्हें हमला कर दिया होता है। और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग धोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुँचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजगर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहां भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहां आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वही होता है।
हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डेलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है क्योंकि सारे हॉर्समैन ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन कहाँ पर है और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीज़न था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है और अब वो बहुत ज़्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेलवन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहाँ जाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन रेड टेलवन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेलवन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स, वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कॉर्टेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़े होती है, उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती है। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहां मैकी और अर्ल आते हैं, वो इस भयानक नजारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से चार कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है, इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था, इसे लेकर काफी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था, खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।